अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे या खुश और आबाद होंगे। जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी इमली की चटनी, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, एक अदद मैंने कढ़ाई ले ली है। जी फ्रेंड्स, एक अदद कढ़ाई ले ली। अब इसमें मैं एक चम्मच ऑयल ऐड करती हूँ। जी फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल ऐड करती हूँ। ये देखें, इनफ है। ये हल्का सा गर्म हो जाए। जी फ्रेंड्स, ऑयल मेरा हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें मैं एक टेबल स्पून जो है साबुत ज़ीरा ऐड करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको हल्का सा सिर्फ गर्म करूँगी, बस हल्का सा। ये देखें, ये सिर्फ हल्का सा इसको गर्म करना है। बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने फ्रेंड्स ऑयल रखा हुआ है। अब चले, मैं जब तक ये हल्का सा ये गर्म होता है, हम इमली को कर लेते हैं। ठीक जी फ्रेंड्स, ये देखें इमली है। इसको अब मैं, ये मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया हुआ था इसको। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये देखें फ्रेंड, ये देखें, ये खुद ही अलग होना शुरू हो गया। अब हल्का सा इसको मैं रख के, इसको तकरीबन 5 मिनट लगा के, इसको ये देखें हल्के हल्के हाथों से अच्छे से ना इसको, इसका पल्प ज़्यादा कर लूँगी, घुटने ज़्यादा कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये ऑयल अच्छा गर्म हो गया हुआ। अब फ्रेंड, एक स्ट्रेनर की हेल्प से ये मैं इमली का जो पल्प है ना, इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको आराम आराम से ना फ्रेंड, ये देखें इस तरह रख के आराम आराम से इसमें से मैं सारा जो पल्प है ना, इसको यहाँ से ड्रेन कर देती हूँ। ये देखें, अगर इसके अलावा मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये बिल्कुल जो है ना, इसमें जो पल्प है सारा निकाल देती हूँ। ये देखें इस तरह, ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें आराम से रख के, ये देखें इस तरह मैं सारा कर लेती हूँ इसको। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने अच्छे से इसमें से, ये देखें इसको मैं ड्रेन कर लिया। ये देखें, ये देखें, अब इसको मैं पकने देती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये पकने लग गए। अब इसको मैं पकने दूंगी, जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तब तक पकेंगे। इसके बाद मैं वन बाय वन जो है ना, इसके इन्ग्रीडियंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। जी फ्रेंड्स, इसको पकते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया। मुसलसल चम्मच हिलाती रही हूँ साथ साथ। तो ये देखें, ये अभी बहुत गाढ़ा नहीं हुआ, तो अब इसमें मैं जो है ना चीनी ऐड करती हूँ। जी फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो है ना 1/3 कप जो है ना चीनी ऐड की है। अब इसको मैं पकने देती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अब जब तक चीनी डिजोल्व हो जाएगी तब तक, फिर अब उसके बाद मैं कुछ और इसमें ऐड करूँगी। अब जब तक ये इसको होने दें, जरा चीनी अच्छी तरह हल हो जाए, तब तक हल्के हाथों से आराम से हिलाते रहेंगे चम्मच को। इसको 1 से 2 मिनट पकने देते हैं अभी और। जी फ्रेंड्स, ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया, चीनी अच्छे से डिजोल्व हो गई है फ्रेंड। अब मैं इसमें जो है ना वन बाई वन जो है ना चीज़ें ऐड करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है ना सॉल्ट ऐड करूँगी, सफ़ेद नमक। जी फ्रेंड्स, ये देखें सफ़ेद नमक ऐड करिए। अब डालूंगी 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर। अब डालती हूँ काला नमक। जी फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून फ्रेंड मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करूंगी। आपको पता है इसका सिर्फ कलर होता है, इसका टेस्ट इतना तेज नहीं होता इसका। अब इसको हल्का सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको देखें, जैसे गाढ़ा हो रहा है, इसका कलर भी डार्क हो रहा है। अब इसे गाढ़ा होने देते हैं इसको मज़ीद। अब फ्रेंड्स, इसे 1 से 2 मिनट पकने दें, फिर मैं इसमें काला नमक को ऐड करती हूँ इसमें। जी फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करूंगी। ये देखिए, तो मैं अब इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, ये ऐसे से अब इसको गाढ़ा होने तक पकने देते हैं अभी। फ्रेंड्स, फ्लेम जो मैंने मीडियम टू स्लो लो रखा हुआ है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना मैंने। ये देखें आराम आराम से इसको पकने देते हैं। इसकी जो थिकनेस है फ्रेंड्स, ये देखें, ये देखें काफ़ी हद तक ये थिक हो गया। अभी इसको मज़ीद होने देते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। ये देखें अभी, लेकिन इसको मज़ीद एक तार जितनी करनी है। अभी देखें, अभी उस तरह की नहीं हुई है। अभी इसको मज़ीद पकने देंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। जो न्यू है
आज न्यू मेंबर्स आए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। आपका एक लाइक उससे मेरी मोटिवेशन होती है, आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के प्यार के लिए, ताकि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो ज़्यादा और बड़ी हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाओ वो भी बताया करें। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें इसको मज़ीद बड़ा होने देते हैं, अभी इसको भी 2 से 3 मिनट अभी पकने देते हैं। और जी फ्रेंड्स, ये देखें ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ये देखें ये ठीक हो गया अच्छी खासी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये देखें, ये भी फ्रेंड चेक कर लें, ये देखें। और फ्रेंड इस जब यहाँ तक आ जाए आपको लगे कि आपने जो चीनी वगैरह ऐड किया, नमक ऐड किया वो ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक करके दोबारा ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये ख़राब हो जाती है फ्रिज में 3 से 4 दिन बाद इसको फंगस लग जाती है। तो फ्रेंड मैं लास्ट पर इसकी टिप बताऊँगी जिससे ये ख़राब भी नहीं होगी, आप उसको सेव कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक ये अब मैं ये ओके हो गया, अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको जार में शिफ्ट करती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें ऑलमोस्ट ठंडी हो गया, ये देखें इसकी थिकनेस देख लें, देखें फ्रेंड्स की किस कदर खूबसूरत लुक आई है। जी फ्रेंड्स, ये देखें, चलिए अब इसको जार में शिफ्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने जार में शिफ्ट कर लिया। फ्रेंड्स इसको हमेशा जो आप 8 आवर जार में रखें, इससे या तो ना ख़राब होगी ना इसमें वो नमी होगी, और हमेशा जो है आप इसको फ्रेंड फ्रीज़र में रखा करें, इससे ये ख़राब नहीं होगी, ये सेफ रहेगी, जब भी बाहर निकालेंगे ये जमेगी नहीं। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ना, ये जमेगी नहीं, आप इसको फ्रीज़र में रखें, जब भी यूज़ करना आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ या अदर स्नैक्स के साथ आप यूज़ करना चाहो तो इसको निकालो, और थोड़ी देर बाद जो है ना ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये जमती नहीं है, इससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो ज़रा लेंथी हो जाती है, आप इसको ज़्यादा देर तक यूज़ भी कर सकती हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट मस्ट किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लीजिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।